तो दोस्तों सबसे पहले आपको VPN ऐप को ओपन कर लेना है। ये ऑटोमेटिक आपको वेब सर्वर से जोड़ देगा। आपको कनेक्ट पर क्लिक करना है, कंट्री को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा आपको। इसके बाद आपको इसको बीच से स्क्रॉल करके बंद कर देना है। फिर कैपकट ऐप को ओपन करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, एल्बम्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके फोल्डर शो होने लगे, जिस फोल्डर में आपकी क्लिप है या वीडियो या एल्बम सॉन्ग है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐड कर लेना है। तो क्लिप हमारी ऐड हो चुकी है। इसके बाद आपको सॉन्ग को ऐड करना है, तो ऐड ऑडियो पर क्लिक करना है, साउंड्स पर क्लिक करना है, फाइल्स पर क्लिक करना है, फ्रॉम डिवाइस पर क्लिक करना है। तो इसमें से जो सॉन्ग आपको ऐड करना है उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सॉन्ग ऐड हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, म्यूट क्लिप ऑडियो साइड में एक बटन होगी तो उसको क्लिक करेंगे तो वीडियो का जो साउंड है वो ऑफ हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्लिप को एडिट करना है। तो वो कैसे करना है आपको ध्यान देना है। डायरेक्टर ने जहाँ पर कट दिया है उसके बाद रीटेक किया है वहाँ पर आपको भी कट देना है। जैसे यहाँ पर कट किया है और रीटेक ये हिस्सा किया है, फिर यहाँ पर कट दिया है, फिर रीटेक ये हिस्सा किया है, तो वहाँ पर आपको भी कट देना है। तो सबसे पहले मैं कट दे देता हूँ उस हिसाब से जैसे डायरेक्टर ने कट दिए हैं। तो मैं जल्दी जल्दी इसको कर लेता हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने क्लिप को एडिट कर लिया है, देख सकते हैं। तो आपको सॉन्ग से ज़्यादा क्लिप्स को एडिट करना है, जो बेस्ट पार्ट लगे पूरी वीडियो में उसको आपको एडिट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आपको लास्ट में ये वाटर मार्क मिलेगा, इस पर क्लिक करके डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको फिर शुरुआत में आना है एंड आपको यहाँ पर जाकर फॉर्मेट पर क्लिक करना है। फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद आपको 4:3 को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्लिप पर क्लिक करना है एंड इसको जूम करना है। ऐसे ही आपको सभी क्लिप्स को जूम करते जाना है और इसको सेंटर में लाना है। जूम हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बीट को सुनना है। तो जैसे मैच कट पर क्लिक करेंगे, ऑडियो पर क्लिक करने के बाद आपको मैच कट पर क्लिक करना है, फिर प्ले करेंगे सॉन्ग को। ओके, तो इस तरह से आपको कुछ की देनी है। तो मैं इतना ही एडिट करूँगा सॉन्ग, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर बेस्ट सीन को चूज़ कर लेना है जहाँ पर लगे। इसको रीड किया पर ये अच्छा लग रहा है। अब आपको इसी प्रकार से की के हिसाब से आपको सीन को लगा देना है। तो मैं सभी जो सीन है उनको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो दोस्त सभी क्लिप ऐड होने के बाद आपको यहाँ पर इफ़ेक्ट देना पड़ेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से कई क्लिप्स ऐड हो गई हैं। क्लिप पर ऐड कर क्लिक करिए, सॉरी एनिमेशन पर क्लिक करिए, कॉम्बो पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको इफ़ेक्ट चूज़ करना है। इसमें से जो इफ़ेक्ट हैं वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे।
ओके, तो ये सभी क्लिप्स में एनिमेशन भी लग गया है, तो आप देख सकते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको एक्सपोर्ट कर लेनी है इस वीडियो को ऊपर क्लिक करके। बटन पे क्लिक कर देना है, तो वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद इसको भी हटा देना। अब आपको अलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। ऐसा कुछ आपके सामने इंटरफेस आएगा जब आप पहली बार अलाइट मोशन ऐप को ओपन करेंगे। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको जो मैं XML फाइल दी हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आपको शेयर कर लेनी है डाउनलोड करके। तो ऐसा इंटरफेस आएगा, उन पर क्लिक करना है। तो आपको नीचे MP4 की जो वीडियो होगी वो उस पर क्लिक करके आपको डिलीट कर देना है। फिर प्लस आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है, जो वीडियो एक्सपोर्ट की है कैपकट में उसको सेलेक्ट करना है एंड इसको लॉन्ग प्रेस करके नीचे की तरफ ले आना है। आप देखें इसमें ऐड हो गया होगा। ठीक है, अब आप दूसरी XML पर भी देख सकते हैं, जो ये XML है इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे, वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है एंड लॉन्ग प्रेस करके आपको इसे नीचे ले आना है। ओके, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, इससे की लग जाएगी, जो आपके ये लेयर हैं इन पर लॉन्ग प्रेस करके आपको इनको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो ये लास्ट तक हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है एंड आपको एक्सपोर्ट कर लेनी है वीडियो।